नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और कमोडिटी सुपर फास्ट में आपका स्वागत है। सबसे पहले बात करेंगे गोल्ड की, जहां पर गिरावट दिख रही है और जिस तरह से रुपया मजबूत हुआ है उससे घरेलू बाजार में गोल्ड की कीमतें दबाव में आई हैं और इस वक्त MCX पर गोल्ड का भाव 128 रुपये नीचे है और ट्रेड हो रहा है 51,135 पर। लेकिन ग्लोबल मार्केट में गोल्ड एक महीने की ऊंचाई के आसपास ट्रेड कर रहा है, क्योंकि ग्लोबल मार्केट में आप देखिए कि जिस तरह से दुनिया भर में मंदी की आशंका बढ़ रही है उससे डिमांड गोल्ड की बढ़ती हुई दिख रही है। तो ये ताज़ा अपडेट गोल्ड को लेकर के है। इसके अलावा कॉटन में ज़ोरदार तेज़ी है। MCX पर कॉटन का भाव 45,400 के ऊपर चला गया है। अगस्त वायदा में 600 रुपये से ज़्यादा की तेज़ी है और महीने भर में 10% दाम यहाँ पर बढ़ गए हैं कॉटन के। इसके अलावा ब्रेंट क्रूड 100 के नीचे ट्रेड कर रहा है, WTI क्रूड 93 के नीचे, क्योंकि डिमांड घटने की आशंका ने मार्केट के सेंटीमेंट को पूरी तरह से बिगाड़ दिया है, दबाव में है। तो ये बात हो गई कच्चे तेल की। इसके अलावा आप देखें तो मेटल मार्केट भी दबाव में दिख रहा है। लेकिन अब आपको बताते हैं कि आपके लिए ट्रेडिंग के मौके कहां पर बनेंगे और ये बताने के लिए हमारे साथ वंदना भारती हैं SMC ग्लोबल की। वंदना जी, बहुत स्वागत है आपका। शुरुआत गोल्ड से, गोल्ड में क्या किया जाए मैम? वंदना जी, आपको आवाज आ रही है? आवाज मुझे आ रही है जी। जी, गोल्ड पर मेरा सवाल है आपसे। एक तो ग्लोबल मार्केट में तेजी है, मतलब रिवर्स हो गया है। आप देखिए कि फंडामेंटल, पहले यह था कि ग्लोबल मार्केट में गिर रहे थे डॉलर की मजबूती की वजह से, हमारे यहां नहीं गिर रहा था क्योंकि रुपया कमजोर था। अब यह मामला बिल्कुल उलट गया है, डॉलर का इंडेक्स कमजोर हो रहा है तो वहां पर सपोर्ट मिल रहा है गोल्ड को, अब यहाँ रुपया मजबूत हुआ तो MCX पर दबाव है। तो क्या किया जाए गोल्ड में ऐसे? मिथुन जी, मुझे लग रहा है कि करेंसी के साथ अभी जाना होगा। 105 पे डॉलर इंडेक्स ने भी सपोर्ट लिया और अपनी करेंसी यहाँ पे अप्रिशिएट हो रही है, तो दबाव यहाँ पे बना रहेगा। तो ट्रेंड के साथ जाते हैं, मेरे ख्याल से 51,275 के करीब यहाँ पे सेलिंग करना चाहिए। मुझे लग रहा है कि आने वाले टाइम में या हो सकता है आज ही हमें 51,050 तक के लेवल्स आता हुआ देखे। स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाना होगा 51,375 रुपए का। और मुझे लग रहा है कि अगर डॉलर इंडेक्स यहाँ से ज्यादा ऊपर की तरफ जाता है, 106 की तरफ जाता है, तो ये प्रेशर थोड़ा सा बढ़ सकता है गोल्ड में। अच्छा, तो ये राय आपकी गोल्ड पर है। आप कह रही हैं कि गोल्ड पे दबाव बढ़ सकता है और 51,050 का टारगेट गोल्ड में आपको दिख सकता है, जो इस वक्त ट्रेड कर रहा है 51,135 पे। ठीक है। अच्छा, चांदी पर आपका व्यू वंदना जी, सिल्वर में क्या किया जाए? जी, दोनों ही कमोडिटी मितिन जी, देखा जाए तो एक अपसाइड आया था लेकिन रेजिस्टेंस को यहाँ पे फेस नहीं कर पाए और यहाँ से दोनों में ही गिरावट आनी शुरू हुई है। मेरे ख्याल से सिल्वर में भी यहाँ पे डाउनसाइड में ही रहना चाहिए, सेल करना चाहिए 57,950 के करीब। एक मुझे लग रहा है कि 57,500 से 57,300 तक के लेवल्स भी इसमें आ सकते हैं, तो सेलिंग साइड में बने रहे हैं। स्टॉप लॉस इसमें लगाना होगा 58,150 का और मुझे लग रहा है कि आज से कल तक में ये टारगेट जो है वो आ जाना चाहिए सिल्वर में भी। अच्छा, तो चांदी पर भी आपका व्यू बिकवाली का, 57,500 के टारगेट के लिए आप चांदी में बिकवाली कर सकते हैं। ताजा भाव है 57,960 का। ठीक है, ये तो बात हो गई गोल्ड की और सिल्वर की। अब आते हैं क्रूड पे। क्रूड का मार्केट भी दबाव में है, कल तो बहुत तेज गिरावट आई थी, आज भी मार्केट नीचे है। क्या कच्चा तेल यहां से और गिरेगा या आपको लगता है कि एक छोटा सा बाउंस बैक आ सकता है? मिथुन जी, मुझे लग रहा है यहाँ पे कि कच्चा तेल है वो डॉलर इंडेक्स को इग्नोर कर रहा है, वहां पे जो फॉल आई है और ये जो मेजर यहाँ पे एक इकोनॉमिक इंडिकेटर है उसको फॉलो कर रहा है। जो फैक्ट्री आउटपुट कम आया है, जितने भी US है, यूरोपियन यूनियन है, चाइना है, उसको यहाँ पे फॉलो कर रहा है वीक डेटा को। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे दबाव अभी बने रहना चाहिए इस काउंटर में और एक सेलिंग प्रेशर जो है थोड़ा सा भी अभी यहाँ पे और दिखेगा। 7370 पे एक बार सेलिंग करना चाहिए। 7200 मुझे लग रहा है कि नीचे की तरफ आ सकता है। 7450 का स्टॉप लॉस होगा। और मिथुन जी, मुझे लग रहा है कि थोड़ी सी गिरावट अभी और है, 7200 से 7000 ये एक सपोर्ट जोन रहेगा जहां से फिर से हम बाइंग आता हुआ देख सकते हैं। तो थोड़े करेक्शन के बाद ही अभी फिलहाल मुझे लग रहा है कि बाइंग आएगी दोबारा। ठीक है, तो ये राय आपकी हो गई कच्चे तेल के ऊपर बिकवाली की राय। मेटल में आपको लगता है कि ठीक है, बाकी जो लॉन्ग टर्म के फंडामेंटल हैं अभी वो कमजोरी के हैं, लेकिन एक छोटी सी तेजी के लिए जिंक बाय किया जाए आज के लिए? जी, ये कमोडिटी अच्छी है मिथुन जी, और मुझे लग रहा है कि बेस मेटल में ये एक स्ट्रॉन्ग कमोडिटी है और कभी भी जब मौका आता है लोअर लेवल बाइंग का
तो ये कमोडिटी सबसे पहले रिएक्ट करती है ये और कॉपर। मेरे ख्याल से बाइंग में रहना चाहिए, 296 पे बाय करना चाहिए, 300 का टारगेट रखना होगा, मॉडरेट टारगेट रखना होगा, स्टॉप लॉस 294 का लगा के चल सकते हैं। और थोड़ा सा भी अगर यहाँ पे पॉजिटिव सेंटिमेंट्स आता है तो यहाँ पे एक जो उछाल है वो थोड़ा कंटिन्यू हो सकता है जिंक में। ओके ठीक है, जिंक में आपकी राय बाइंग की, 300 के टारगेट के लिए 296 का ताजा भाव है और इसी के आसपास आपने बाइंग की भी राय दी है। ठीक है, अब आते हैं एग्री में ग्वार पे। ग्वार में आज तेजी है, हालांकि रफ्तार बहुत तेज नहीं है लेकिन एक रिकवरी है तेज गिरावट के बाद और सितंबर का वायदा 9100 के ऊपर ट्रेड कर रहा है ग्वार गम का। तो क्या किया जाए अभी वंदना जी ग्वार गम में इस भाव पर? अच्छा, मानसून और क्रूड में गिरावट ये जो है ना, इसने काफी मतलब सेलिंग प्रेशर दिया इस काउंटर को। मुझे लग रहा है कि यहाँ पे थोड़ा सा कंसोलिडेशन में ये कमोडिटी आई है और एक अपसाइड जो है वैल्यू बाइंग ये यहाँ पे बन सकती है यहाँ पे, और वो दिख रहा है टेक्निकल ट्रेंड्स में भी दिख रहा है। मृत्युंजय जी 9035 ये एक लेवल रहेगा, अगस्त कॉन्ट्रैक्ट को यहाँ पे बाय करके चल सकते हैं। 9200 तक प्राइस मुझे इजीली लग रहा है कि अपसाइड में आएगा और इसके लिए स्टॉप लॉस 8900 या 8920 का हम लगा के चल सकते हैं। और मेरे ख्याल से अगर थोड़ा सा इसे हम सेकेंड टारगेट को लेके चले तो 9400 तक भी प्राइसेज आएंगे। तो यहाँ से ग्वार सीड हो या ग्वार गम हो, थोड़ा सा रीबाउंड मुझे एक्सपेक्टेड है। ठीक है, तो आप कह रहे हैं ग्वार सीड या ग्वार गम, थोड़ा सा रिबाउंड आप कह रहे हैं कि एक्सपेक्टेड है, इस पर आप नज़र बनाकर चल सकते हैं और ट्रेड ले सकते हैं। ये तो हो गई कॉल आपके लिए जहां पर आप ट्रेड ले सकते हैं, लेकिन अब जरा एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूं कॉटन के ऊपर, क्योंकि आप देखिए कि कॉटन में बहुत बड़ी तेज़ी आई है और महीने भर में 10% कॉटन के दाम बढ़ गए हैं फिर से, मतलब तेज़ी का दौर शुरू हो रहा है। तो क्या कॉटन की रैली अभी कंटिन्यू रहने वाली है वंदना जी? काफी स्ट्रॉन्ग पॉइंट है यहाँ पर मृत्युंजय जी, जो न्यू कॉटन आएगा वो सितंबर अक्टूबर वाले मंथ्स में ही आएगा और अभी जो है वो हमारा स्टॉक कैरी फॉरवर्ड जो है वो बहुत कम है और यहाँ पे नीड बेस्ड यहाँ पे बाइंग हुई है और साथ में यहाँ पे फेस्टिवल सीजन भी है तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री से भी यहाँ पे एक डिमांड है। मेरे ख्याल से यहाँ पे बने रहना चाहिए, ट्रेंड के साथ ही जाना होगा क्योंकि हर फॉल पे हम लोगों ने बाइंग आता हुआ देखा है और जो MCX कॉटन है आइस कॉटन से कम्प्लीटली डिकपल हो गया, वहां पे बहुत शार्प फॉल आया, यहाँ पे ये फॉल ज्यादा नहीं आया। मेरे ख्याल से यहाँ पे अगर अगस्त कॉन्ट्रैक्ट की मैं बात करूँ, मुझे लग रहा है प्राइसेस ऊपर एक बार 46,200 तक भी जा सकते हैं, तो जो भी लोअर लेवल दिखता है वहां पे बाइंग करें। और जो मेन यहाँ पे अगर देखा जाए अगर अक्टूबर कॉन्ट्रैक्ट, तो अगस्त और अक्टूबर कॉन्ट्रैक्ट का जो गैप है ये मिनिमाइज हो रहा है, यानी कि अक्टूबर कॉन्ट्रैक्ट में भी यहाँ जो तेजी है वो बनी हुई है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे थोड़ा अप ट्रेंड जो है वो जारी रहेगा सितंबर अक्टूबर महीने तक। 46,200 अगस्त कॉन्ट्रैक्ट में मैं यहाँ पे टारगेट देना चाहूंगी कॉटन के लिए। अच्छा ठीक है, अच्छा मसालों पर ओवरऑल क्या व्यू है आपका? जीरे में तो हमने बड़ी तेजी का माहौल बनता हुआ देखा, आज मामूली करेक्शन है, क्या व्यू है आपका, क्या आउटलुक है जीरे के ऊपर? जीरा ऐसी कमोडिटी है जिसमें टर्की और सीरिया का जो पाइपलाइन है वो ड्राई है बिल्कुल, और मुझे लग रहा है कि हर बिकवाली पे हर करेक्शन पे बाय ऑन डिप की जो स्ट्रेटजी है वो यहाँ पे रहना चाहिए। और ऊपर की तरफ जो अगस्त कॉन्ट्रैक्ट है उससे मुझे लग रहा है कि जीरा एक बार 24,600 तक इजीली यहाँ पे जा सकता है और ईयर एंड तक मुझे लग रहा है कि जीरे में जो टारगेट है वो करीब करीब यहाँ पे 25,000 से 25,500 तक का यहाँ पे बनता है, क्योंकि इंडियन पैरिटी है यहाँ पे, कॉम्पिटिटिव है और यहाँ पे अवेलेबल भी है। थोड़ा भी एक्सपोर्ट डिमांड आने पर ये अपसाइड जो है वो जारी रहेगा और मानसून डिमांड और फेस्टिवल डिमांड दोनों ही यहाँ पे है, तो जो इंटायर स्पाइसेस काउंटर है उसमें जीरा और धनिया में मुझे लग रहा है कि ज्यादा तेजी यहाँ पे रहे। ठीक है, ओके। कैस्टर पर क्या व्यू है आपका? कैस्टर का मार्केट 1% नीचे है 7,200 के आसपास, क्या 7,000 के नीचे का भाव हम देखेंगे, शॉर्ट किया जाए अभी कैस्टर में? जी मृत्युंजय जी, ये एकरेज पे यहाँ पे रिएक्ट कर रही है ये मार्केट, हमारे पास कैरी फॉरवर्ड ज्यादा नहीं है लेकिन अभी जो एकरेज है इस पे ये रिएक्ट कर रही है। मेरे ख्याल से यहाँ पे थोड़ा सा बनेगा 6900 तक, 6850 तक हम प्राइसेस नीचे आता हुआ देख सकते हैं, लेकिन ये कमोडिटी ऐसी है जिसमें मुझे लग रहा है कि अगर 6800 तक प्राइसेस आ गया तो वैल्यू बाइंग फिर से बड़ी तेजी से आएगी और अपसाइड जो है कहीं ना कहीं 7440 से 7450 तक देखा जाना चाहिए। तो मेरे ख्याल से जो 6900 तक सेलिंग करके यहाँ पे हम चल सकते हैं इस कमोडिटी में फिलहाल, लेकिन जो मिड टर्म के लिए यहाँ पे ट्रेड करना चाहते हैं वो वेट करे करेक्शन का, बाय करे और 7400-7500 का टारगेट का एक रख के दिमाग में चल सकते हैं। ठीक है, तो ये राय आपके हो गई कैस्टर पर, 7160 ये ताजा भाव है कैस्टर का, 1% से ज्यादा की गिरावट कैस्टर में इस वक्त दिख रही है। बहुत शुक्रिया वंदना जी आपका जुड़ने के लिए, बताने के लिए इस वक्त कहां पर कमाई के मौके बन सकते हैं।